तो रूस और यूक्रेन जंग में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप ने पुतिन को जंग को ना बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन इस बातचीत के फौरन बाद ही यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला करके चुनौती दी, जिसका भयंकर जवाब रूस ने दिया है और भीषण जंग छिड़ चुकी है। क्या रूस यूक्रेन की जंग को ट्रंप रोक पाएंगे या नहीं, समझिए इस रिपोर्ट में। जंग रोकने पर ट्रंप और पुतिन में हुई बात, मगर इस बातचीत के बीच यूक्रेन बना दगाबाज। यूक्रेन ने मॉस्को पर किया ड्रोन से बड़ा आघात। तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन में मिसाइलों से मचा दिया उत्पात। रूस और यूक्रेन में जंग हो गई है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस ने भयंकर बदला लिया है। रूस के बॉम्बर विमानों और फाइटर जेट ने यूक्रेन के शहरों को बमबारी और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को पर एक साथ 34 ड्रोन से अब तक का सबसे भीषण हमला किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस ने दावा किया है कि उसने 29 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इस हमले से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को पर यह हमला उसी दिन किया जब ट्रंप और पुतिन के बीच जंग पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध को और नहीं बढ़ाने की सलाह दी। यूक्रेन युद्ध के जल्द समाधान के लिए बातचीत में रुचि भी दिखाई। साथ ही ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की भी पुतिन को याद दिलाई। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाते ही इसलिए पुतिन से बात की क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो एक दिन के भीतर युद्ध को खत्म करने का समाधान खोज लेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप अपना दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल यूक्रेन में जंग को बढ़ाने से नहीं करना चाहते हैं। मगर ट्रंप की इस कोशिश को यूक्रेन ने पलीता लगा दिया है। मॉस्को पर ड्रोन हमला करके रूस का पारा हाई कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूस के 8 TU-95 बॉम्बर विमानों ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। MiG-31 फाइटर जेट ने कई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। 70 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से तबाही मचाई है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के शहर दहल गए हैं। रूस ने कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को निशाना बनाया है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। मगर पुतिन के आक्रामक तेवर यही नहीं थमे हैं। पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे से अपने कुर्स्क इलाके को भी छीनने का प्लान तैयार कर लिया है। के मुताबिक रूस ने कुर्स के पास 50,000 सैनिकों को जमा किया है, जिसमें 40,000 रूसी सैनिक हैं, जबकि 10,000 उत्तर कोरिया के सैनिक हैं। किम जोंग के सैनिकों ने रूसी सेना की वर्दी पहनी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। रूसी सेना ने किम जोंग के सैनिकों को तोपखाने से हमला और ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी है।
रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह से ये नया मोड़ आया है उसे पुतिन का ट्रंप के डीएस्केलेशन कॉल का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ रूस को जंग रोकने की सलाह दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले यूक्रेन को वो सारे हथियार भेज देना चाहते हैं जिनकी डील फाइनल हो चुकी है, ताकि जंग में यूक्रेन कमजोर ना पड़ सके। यूक्रेन को करीब $7 बिलियन के हथियार भेजे जाने हैं, साथ ही $2 बिलियन का उपकरण फंड भी दिया जाएगा। हथियारों में करीब 500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। मिसाइलों का जखीरा अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ट्रंप भले ही युद्ध रोकने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, पुतिन से बात भी की है, लेकिन जिस तरह अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार देकर जंग को बढ़ा रहा है उससे भड़के रूस को ट्रंप शांत कर पाएंगे? क्या ट्रंप युद्ध को रोक पाएंगे? अगर जेलेंस्की अपनी जीत पर अड़े रहते हैं तो फिर जैसे उन्होंने नेटो में जुड़ने की पहली जीत की वजह से अपने देश को बर्बाद कर लिया, अब समझौते से ना मानने की जिद में उन्हें गद्दी से उतरना पड़ सकता है। कारण ये कि जिन नेटो देशों के ऊपर यूक्रेन अब तक कूद रहा था वो नेटो देश खुद ट्रंप के आने के बाद अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। अमेरिका ही नहीं, नेटो देश भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल और मिस्ट्रल मिसाइल की खेप भेजने का ऐलान किया है। टीम न्यूज नेशन। जंग रोकने पर ट्रंप और पुतिन में हुई बात, मगर इस बातचीत के बीच यूक्रेन बना धक्काबाज। यूक्रेन ने मॉस्को पर किया ड्रोन से बड़ा आघात। तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन में मिसाइलों से मचा दिया उत्पात। रूस और यूक्रेन में जंग हो गई है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस ने भयंकर बदला लिया है। रूस के बॉम्बर विमानों और फाइटर जेट ने यूक्रेन के शहरों को बमबारी और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को पर एक साथ 34 ड्रोन से अब तक का सबसे भीषण हमला किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस ने दावा किया है कि उसने 29 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इस हमले से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को पर यह हमला उसी दिन किया जब ट्रंप और पुतिन के बीच जंग पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध को और नहीं बढ़ाने की सलाह दी। यूक्रेन युद्ध के जल्द समाधान के लिए बातचीत में रुचि भी दिखाई। साथ ही ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की भी पुतिन को याद दिलाई। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाते ही इसलिए पुतिन से बात की क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो एक दिन के भीतर युद्ध को खत्म करने का समाधान खोज लेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप अपना दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल यूक्रेन में जंग को बढ़ाने से नहीं करना चाहते हैं। मगर ट्रंप की इस कोशिश को यूक्रेन ने पलीता लगा दिया है। मॉस्को पर ड्रोन हमला करके रूस का पारा हाई कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूस के 8 TU-95 बॉम्बर विमानों ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया।
MiG-31 फाइटर जेट ने कई किंजर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। 70 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से तबाही मचाई है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के शहर दहल गए हैं। रूस ने कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को निशाना बनाया है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। मगर पुतिन के आक्रामक तेवर यही नहीं थमे हैं। पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे से अपने कुर्स्क इलाके को भी छीनने का प्लान तैयार कर लिया है। के मुताबिक रूस ने कुर्स के पास 50,000 सैनिकों को जमा किया है, जिसमें 40,000 रूसी सैनिक हैं, जबकि 10,000 उत्तर कोरिया के सैनिक हैं। किम जोंग के सैनिकों ने रूसी सेना की वर्दी पहनी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। रूसी सेना ने किम जोंग के सैनिकों को तोपखाने से हमला और ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी है। रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह से यह नया मोड़ आया है, उसे पुतिन का ट्रंप के डीएस्केलेशन कॉल का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ रूस को जंग रोकने की सलाह दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले यूक्रेन को वो सारे हथियार भेज देना चाहते हैं जिनकी डील फाइनल हो चुकी है, ताकि जंग में यूक्रेन कमजोर ना पड़ सके। यूक्रेन को करीब $7 बिलियन के हथियार भेजे जाने हैं, साथ ही $2 बिलियन का उपकरण फंड भी दिया जाएगा। हथियारों में करीब 500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। मिसाइलों का जखीरा अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ट्रंप भले ही युद्ध रोकने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, पुतिन से बात भी की है, लेकिन जिस तरह अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार देकर जंग को बढ़ा रहा है, उससे भड़के रूस को ट्रंप शांत कर पाएंगे? क्या ट्रंप युद्ध को रोक पाएंगे? अगर जेलेंस्की अपनी जीत पर अड़े रहते हैं, तो फिर जैसे उन्होंने नेटो में जुड़ने की पहली जीत की वजह से अपने देश को बर्बाद कर लिया, अब समझौते से ना मानने की जिद में उन्हें गद्दी से उतरना पड़ सकता है। कारण ये कि जिन नेटो देशों के ऊपर यूक्रेन अब तक कूद रहा था, वो नेटो देश खुद ट्रंप के आने के बाद अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। अमेरिका ही नहीं, नाटो देश भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल और मिस्ट्रल मिसाइल की खेप भेजने का ऐलान किया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन कर